नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और सीएम गहलोत के बीच में मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कर रही हैं अहम बैठक। संभवतः राजस्थान के सियासी मसलों को लेकर हो रही बैठक सोनिया गांधी के बेहद नजदीकी मानी जाती है। कुमारी शैलजा राजस्थान विधानसभा चुनाव में रही थी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष और कुमारी शैलजा का यूं अचानक जयपुर आना बना सियासी हलकों में चर्चा का विषय। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी का कोई विशेष संदेश लेकर जयपुर आई है कुमारी शैलजा? यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी है अंदर, क्या कुछ बातें हो रही है? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो कोई मैसेज नहीं है संजय जी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि राजस्थान के सियासी मसलों को लेकर कोई खास संदेश जो है सोनिया गांधी की ओर से कुमारी शैलजा लाई है और उस पर बात कर रही है। हालांकि आधिकारिक नहीं है, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, लेकिन अचानक संजय अगर वो जयपुर आती हैं बिना किसी कार्यक्रम के और सीधा एयरपोर्ट से होटल और होटल से सीधा सीएम आवास जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और कल फिर सुबह वापस दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम। फिलहाल अगर हम बात करें तो वो हरियाणा पीसीसी की अध्यक्ष हैं, लेकिन दिल्ली में ही ज्यादा पॉलिटिक्स वो करती रही हैं। गांधी परिवार के बेहद नजदीकी मानी जाती हैं, सोनिया गांधी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और चूंकि अशोक गहलोत के साथ भी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की वो चेयरमैन रही थी विधानसभा चुनाव के समय, तो उनका तालमेल टिकट वितरण में सभी नेताओं के साथ बहुत अच्छा था और किसी तरह की कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नजर नहीं आई थी। बखूबी अंजाम दिया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। ऐसे में जब अजय माकन का दौरा खत्म हो गया, वो अपना रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी को सौंप चुके हैं जिस तरह की जानकारी आ रही है, अब उसके बाद आगे के कदम को लेकर कोई विशेष संदेश जो सोनिया गांधी या गांधी परिवार जो है वो अशोक गहलोत को देना चाहता हो, उसे लेकर उनका यहाँ पर आना अगर ये सही है तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आगामी एक दो दिनों में राजस्थान की सियासत में इस मीटिंग का कोई असर हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद। इस पर तमाम जानकारी के लिए ऐसे में समझा जा सकता है, आकलन हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर जैसा कि सुशांत पारिक ने बताया कि आधिकारिक तौर पर कोई मैसेज नहीं था, लेकिन ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी का कोई स्पेशल मैसेज लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची है कुमारी शैलजा।